नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं राहुल चौधरी और मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पिछली क्लास में हमने इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उनमें रिएक्शंस निकाली जाती है, कैसे इंटरनल फोर्सेस निकाले जाते हैं, उनमें डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन कैसे की जाती है, स्ट्रेसिस कैसे निकाली जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेसिस, या इनको टेम्परेचर स्ट्रेसिस भी कहा जाता है, कि जब तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण जब चीज़ एक्सपेंड होती है और अगर उनको एक्सपेंड होने से रेस्ट्रिक्ट किया जाए या उनको एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दिया जाए टेम्परेचर राइज या फॉल के कारण, तो उनमें किस टाइप की स्ट्रेसिस डेवलप होते हैं, इन सब चीज़ को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो चुके हैं, एग्जाम में आपको पूरी तरह हेल्प मिले। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इस टाइम भी पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आपको इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और अच्छा सा आउटपुट देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक लेते हैं आज का, थर्मल स्ट्रेसिस या टेम्परेचर स्ट्रेसिस। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है जो कि जिसका मूवमेंट रेस्ट्रेंड ना हो, तो उसमें क्या होता है, एक थर्मल एक्सपेंशन होता है, जो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो, और अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो पार्टिकल्स पास पास आने की कोशिश करते हैं। ये उनका खुद का बिहेवियर होता है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती है, इसलिए उनमें जो एक्सपेंशन होता है वो खुद की मर्जी से होता है। तो इस टाइप से उनके कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होती है, क्योंकि पार्टिकल्स में एनर्जी मिल रही है और अपने हिसाब से ही वो एक्सपेंड हो रहे हैं। या इसका उल्टा, अगर टाइम पार्टिकल्स बॉडी का टेम्परेचर कम किया जा रहा है तो बॉडी के पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं और उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस डेवलप हो रही है, लेकिन उसके वजह से कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये कोई ब्लॉक लिया हमने, पैरेललोपाइप यानी कि घनाभ, जिसकी लेंथ एल है, विड्थ बी है और डेप्थ डी है। इसका थर्मल कोएफिशिएंट कितना होता है, अल्फा। जब भी किसी चीज का थर्मल स्ट्रेसिस की बात की जाएगी, थर्मल एक्सपेंशन की, तो वहां पर क्या होता है, एक थर्मल कोएफिशिएंट होता है जो मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसकी डायरेक्शन एक्स है, ये वाई है और जेड है। ठीक है, तो पहले केस में अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी हर डायमेंशन ही इलोंगेट होगी। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, बी विड्थ वहाँ से वहाँ चल जाएगी और हाइट किसकी कुछ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल सरफेस के ऊपर रखा है हमने एक प्रिज्मेटिक बार को। प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या होता है, कि उसकी सारी डायमेंशन जो अलोंग द लेंथ ऑफ द सेक्शन, अलोंग द लेंथ ऑफ द बार, द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल रिमेन सेम। तो हर एक सेक्शन पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, सेम है। ठीक है, तो इसको क्या रखा है, लेटेस्ट प्रिज्मेटिक बार इज रेस्टेड ओवर फ्रिक्शनल सरफेस। तो ये फ्रिक्शनल सरफेस है, यहाँ पे इसके ऊपर जो इसमें अगर एक्सपेंड होगा तो ये कोई भी रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करेगी, फ्रिक्शन इसका विरोध नहीं करेगी मूवमेंट का। तो सरफेस देन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बार बाय टी डिग्री सेंटीग्रेड, हम बोल रहे हैं कि बार का टेम्परेचर कितने से बढ़ा दिया, टी डिग्री सेंटीग्रेड से राइज कर दिया। द यूनिफॉर्म थर्मल स्ट्रेसिस गिवन बाय, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे बार का, जो थर्मल स्ट्रेसिस होगी वो यूनिफॉर्म भी होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो थर्मल एक्सपेंशन होगा वो कैसे देंगे, एप्सिलॉन टी। ठीक है, जो थर्मल स्ट्रेन आएगी वो कितनी हो जाएगी, अल्फा इंटू टी। तो इसका मतलब जो थर्मल स्ट्रेन आती है वो इसकी लेंथ पे या इसके क्रोशन के एरिया पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, ये केवल उसके जो जिस मटेरियल से बना हो, या कि वो जो बॉडी है वो स्टील की है, कॉपर की है, कॉन्क्रीट की है, ग्लास है, या कौन सी चीज़ है, उसके थर्मल कोफिशियंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, थर्मल कोफिशियंट। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा पर डिपेंड करती है और टी पे, कि आप टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हो, कितना कम कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे केस वन बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हो उसके प्रोपोर्शनल है, और उसका थर्मल कोफिशियंट क्या है उसके प्रोपोर्शनल, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन टी होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू टी। तो अल्फा इक्वल टू थर्मल कोफिशियंट ऑफ बार मटेरियल एंड टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमने को जब टेम्परेचर स्ट्रेन मिल गया, एक्सपेंड जो स्ट्रेन की वैल्यू मिल गई, तो फ्री एक्सपेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एल होता है। तो एप्सिलॉन तो मिल गया अपने को अल्फा टी, तो ये डेल्टा कितना हो जाएगा, अल्फा टी एल। लेंथ के लॉन्ग तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगी, विड्थ के लॉन्ग यहाँ पे बी आ जाएगा और डेप्थ के लॉन्ग डी आ जाएगा। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, एफ डायरेक्शन में एल अल्फा टी, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई के अंदर बी अल्फा टी, और जेड डायरेक्शन में डेल्टा डी, डेप्थ के अंदर कितना चेंज होगा, डी अल्फा टी। तो तीनों डायरेक्शन में अपने को क्या मिल गया, फ्री एक्सपेंशन। अब क्या बोल रहा है कि इफ अबव बार इज फ्री टू एक्सपेंड देन देर विल बी नो थर्मल स्ट्रेस इन द बार। तो हमने ये बात पहले भी बताई थी, अगर बाल फ्री है एक्सपेंड होने के लिए तो पार्टिकल्स अपनी मर्जी से दूर जा रहे हैं उसमें, तो उनमें किसी टाइप का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मान लो हमने एक बार को फिक्स कर दिया दो सपोर्ट ए और बी के बीच, एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई और जेड के लॉन्ग, तो अभी भी वो फ्री है, तो फ्रीली एक्सपेंड हो सकती है अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो। लेकिन एक्स और वाई के लॉन्ग क्या कर देते हैं इसको, मान लो हमने फिक्स कर दिया, तो अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंड नहीं हो पाएगी। अब एक्सपेंड नहीं हो पाएगी तो क्या हो जाएगा, सपोर्ट, क्यों ये एक्सपेंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी सपोर्ट नहीं चाहते कि बार यहाँ से एक्सपेंड हो जाए। तो सपोर्ट क्या लगाता है, यहाँ से रिएक्शन लगाता है, रिएक्शन के कारण इसमें क्या आ जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होती है। तो नाउ लेट अस अज्यूम द बार इज कॉन्स्टेंट बिटवीन सपोर्ट ए एंड बी, देन इन दिस सिचुएशन थर्मल स्ट्रेसिस विल बी इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट। तो इसको इसमें देखते हैं किस टाइप से स्ट्रेसिस डेवलप होती है।
तो यहाँ पे जैसे मैंने बात की कि एक्स वाई डी जेड डायरेक्शन है, और यहाँ पे कोई भी बार ले ली, वही बार ले ली मैंने प्रिज्मेटिक, ठीक है। उसमें इसको सामने फ्रंट व्यू से देखा, तो फ्रंट व्यू से अपने को लेंथ दिख रही है और ये इसकी डेप्थ या विड्थ जो भी अपन लेना चाहिए, तो यहाँ से डेप्थ दिख रही है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन कि ना तो इस डायरेक्शन से रेस्टेंड है, नहीं इस डायरेक्शन में रेस्टेंड है, क्यों लिए एक्स की डायरेक्शन में रेस्टेंड है। तो यहाँ पे जैसे एक्सपेंड होने के बाद टेम्परेचर टी बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर टी बढ़ाने के बाद मॉलिक में थर्मल एक्सपेंशन की बार यहाँ जाना चाहती, ठीक है, इतना इसमें डिफ्लेक्शन होना चाहता, लेकिन ये सपोर्ट क्या करेगा, इसको एक्सपेंड होने देगा नहीं होने देगा, इसको एक्सपेंड नहीं होने देगा। तो यहाँ से क्या लगाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगा और ये वापस इसी पोजिशन में रहेगी। तो हमने कोई दो पार्ट में तोड़ सकते हैं कि यहाँ से इसमें थर्मल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा एल अल्फा टी, और इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना लग जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा के कारण भी इसमें कुछ कॉन्ट्रेक्शन होगा और टोटल डिफ्लेक्शन होगा बार का, वो कितना हो जाएगा जीरो। तो लेट ड्यू टू टेम्परेचर राइज कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा इज डेवलप्ड, तो यहाँ पर जब कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो बार के अंदर क्या जाएगा कंप्रेशन आएगा, तो कंप्रेशन आएगा तो यहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। तो ये बात क्लियर होगी, बाय द कंपेटिबिलिटी कंडीशन नेट डिफ्लेक्शन ऑफ द बार इन एट डायरेक्शन विल बी जीरो। तो यहाँ से हम बात करेंगे कंपेटिबिलिटी कंडीशन, वो कैसे लगा रहे हैं कि हमने पहले बात की इस चीज़ में कि इसका बार यहाँ से एक्सपेंड होना चाहिए लेकिन दोनों साइड से फिक्स है, तो बार एक्सपेंड हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसका मतलब बार एक्सपेंड होकर यहाँ तक जाना चाह रही थी लेकिन सपोर्ट इसको यहाँ तक जाना अलाउ नहीं करेगा, उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहेगा। तो इसका मतलब जितनी बार एक्सपेंड हो रही सपोर्ट एक तरह से उसको उतना ही कंप्रेस करते रहे, तो उसका वजह से क्या हो रहा है उसका नेट डिफ्लेक्शन जीरो होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस उसमें सेटअप हो रही है। तो डेल्टा ए बी टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा ए बी का जीरो। तो डेल्टा को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं कि एक तो बार कितना फ्री एक्सपेंड होना चाह रही थी और दूसरा कि इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण कितना इसके अंदर कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन आएगा। तो फ्री एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज प्लस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बार ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो यहाँ पे एल अल्फा टी तो फ्री एक्सपेंशन हो गया और माइनस सिग्मा एल अपॉन ई, बट डिफ्लेक्शन क्या होता है पी एल अपॉन ए, तो पी अपॉन ए क्या हो जाता है सिग्मा, तो सिग्मा एल अपॉन ई, और ये माइनस किस साइन से आ रहा है क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है तो इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन भी क्रिएट करेगा, तो यहाँ से एल तो कैंसिल हो जाएगा और अल्फा टी इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, तो सिग्मा कंप्रेसिव स्ट्रेस की लिखी आ जाएगी ई अल्फा टी कंप्रेसिव नेचर में, ठीक है। यहाँ पर ई क्या होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, और टी क्या हो जाता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिमिलरली अगर हम इस बार का टेम्परेचर कम कराते तो क्या होता, अगर मान लो इस बार का टेम्परेचर हम कम कराते तो ये यहाँ पे दो सपोर्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे ये सपोर्टेड है, टेम्परेचर अगर आप टी डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर देते तो ये बार क्या आना चाहती सिकुड़ के अंदर तक आना चाहती, लेकिन सपोर्ट क्या करेगा इसको वापस बार खींचेगा क्योंकि इसको रहना तो ये इसी जगह है, बार की लेंथ कम नहीं हो सकती यहीं पर रहना, तो इसके अंदर कौन सी स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी टेंसाइल, तो यहाँ पे टेंसाइल नेचर की स्ट्रेसिस डेवलप हो जाएगी। तो इसको हम देख लेते हैं लैंग्वेज को, सिमिलरली इफ टेम्परेचर डिक्रीज बाय टी डिग्री सेंटीग्रेड देन टेंसाइल स्ट्रेसिस विल बी डेवलप, तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम ही रहेगा, तो ई अल्फा इंटू टी। अब इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है स्टील बार ऑफ 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है, तो डायमीटर कितना है उसका 2.5 सेंटीमीटर मतलब कि 25 mm, इज रिजिडली अटैच्ड टू टू पैरेलल सपोर्ट्स विच आर 5 मीटर अपार्ट, तो दो रिजिडली सपोर्ट उनके बीच फिक्स है जो कितनी दूर है 5 मीटर, इसका मतलब बार की लेंथ कितनी 5 मीटर। फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द बार ऑन द सपोर्ट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बोल रहा है कि बार पे सपोर्ट कितना फोर्स लगाएगा यदि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया जाए। तो दो कंडीशन दे रखी इसने कि सपोर्ट पहले यील्ड नहीं हो रहा, मतलब सपोर्ट अपनी जगह जो बार एक्सपेंड होनी तो उस पर धक्का लगेगी बार, तो उसकी वजह से उसमें कुछ भी सपोर्ट यील्ड नहीं हो रहा, मतलब अपनी जगह से खिसक रहा नहीं है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो सपोर्ट यील्ड हो गया कितने से 0.25 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.25 सेंटीमीटर से खिसक गया हो, ठीक है। तो अपने को अलग अलग दोनों कंडीशन के अंदर फोर्स कितना लगेगा बार पे उसको कैलकुलेट करना है, कंप्रेसिव फोर्स कौन सा आएगा कंप्रेसिव नेचर, क्योंकि सपोर्ट हमेशा क्या करेगा इस पर इसको बाहर जाने से रोकेगा, तो बाहर जाने से रोकेगा समझ लो क्या हुआ इस पर हमेशा कंप्रेसिव टाइप का फोर्स लगेगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ई की वैल्यू क्या है 210 GPa मतलब कि 2.10⁵ MPa। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि लेटेस्ट अज्यूम सिग्मा इज थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस बाय द टेम्परेचर राइज, तो टेम्परेचर राइज करेंगे और पहली कंडीशन कौन सी है कि सर सपोर्ट यील्ड नहीं हो रहा, मतलब सपोर्ट अपनी जगह पे, तो इसके अंदर हमने लेटेस्ट अज्यूम सिग्मा इज थर्मल स्ट्रेस, तो हमने स्ट्रेस क्या मान लिया कि सिग्मा डेवलप हो रही है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो नेट डिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि क्या बार कितनी है फिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री एक्सपेंशन प्लस कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू सिग्मा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्योंकि हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस की तलिया जीरो, तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है एल अल्फा टी, और कॉन्ट्रेक्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर लेंथ पे कमी माइनस सिग्मा एल अपॉन ई, दोनों का सम कितना होना चाहिए जीरो क्योंकि सपोर्ट अपनी जगह पे, तो बार की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू ई अल्फा टी, अब तीनों वैल्यू की वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, टेम्परेचर कितने से बढ़ाए 100 से तो 100 वैल्यू पुट कर दो, तो इसके अंदर स्ट्रेस कितना आ रहा 252 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब ये तो बार के अंदर स्ट्रेस आया, तो इसके अंदर बार के अंदर फोर्स कितना आ जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया
एरिया, सो फोर्स एग्जर्टेड बाय द बार ऑन द सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट बार पे लगा रहा है तो इसका उल्टा भी होगा, तो होगा बार भी तो सपोर्ट फोर्स लगाएगी, ठीक है, तो बार सपोर्ट फोर्स लगाएगी तो फोर्स कितना हो जाएगा उसमें, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा क्यों लिए तो निकाल ली अल्फा टी, ठीक है, सिग्मा क्यों लिए और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो बार का एरिया यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, बार का एरिया कितना दे रखा, डायमीटर दे रखा 25 mm, तो 25 mm का एरिया क्या हो जाएगा पाई बाई 4 d², तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 123.70 kN, इसका मतलब क्या होगा कि बार जब एक्सपेंड होना चाहेगी तो सपोर्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी 123.70 kN का, इसका मतलब सपोर्ट भी बार के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा 123.70 kN का फोर्स, तो बार तो सपोर्ट पर लगाएगी फोर्स और सपोर्ट बार पर कितना लगा देगा 123.70 kN का कंप्रेसिव लोड या कंप्रेसिव फोर्स, उसी वजह से उसके अंदर कितनी स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस वैल्यू कितनी आएगी 252 N/mm², ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरे केस में क्या बोल रहा है ये कि व्हेन सपोर्ट यील्ड मतलब शिफ्ट हो गया, सपोर्ट कितने शिफ्ट हो गया 0.25 cm से, इसका मतलब क्या हुआ कि बार कितना एक्सटेंड होना चाहिएगी Lα(t) और सपोर्ट कितना स्ट्रेस लगाएगा उसमें सिग्मा L/e, लेकिन टोटल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा इसमें 0.25, क्योंकि मान लो यहाँ से ये कंडीशन है, यहाँ से अंदर टेम्परेचर बढ़ा है तो बार मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना चाह रही थी, बार के मोमेंट यहाँ से यहाँ तक होना चाह रहा था, तो ये कितना हो गया Lα(t), लेकिन सपोर्ट क्या करेगा उसको कंप्रेसर लगाएगा, तो मान लो सपोर्ट अब पूरा थोड़ा सा सपोर्ट यील्ड हो गया तो सपोर्ट जहाँ जाके रुका इसका मतलब क्या हुआ उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बची थी उसको उसने प्रिवेंट कर दिया बार को मूवमेंट कराने से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा L/e, और ये टोटल रिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा Lα(t) माइनस सिग्मा L/e, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25 cm, तो यहाँ से देखेंगे तो टोटल डिफ्लेक्शन ए बी के अंदर कितना हो गया 0.25 cm, यहाँ तक क्लियर है। अब डेल्टा किस किस में तोड़ सकते हैं कि एक तो फ्री एक्सपेंशन और सपोर्ट ने उसको कितना कंप्रेसिव कॉन्ट्रेक्शन किया, तो वो कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू सिग्मा, तो फ्री एक्सपेंशन प्लस कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू सिग्मा, और रिजल्टेंट क्या रहा है इसके अंदर डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इफ यील्ड ऑफ सपोर्ट इज 2.25 cm, इसका सपोर्ट क्या हो गया 0.25 cm से खिसक गया, ठीक है, तो 0.25 cm मतलब 0.25 × 10 तो 2.5 mm, तो ये तो Lα(t) माइनस सिग्मा L/e = 2.5, इसको आगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो Lα(t) माइनस सिग्मा L/e = 2.5, ये आ गई क्वेश्चन, तो लेंथ कितनी देर की बार की 5000 5 मीटर और अल्फा 12 × 10⁻¹, टेम्परेचर कितने से बढ़े 100 से, माइनस सिग्मा लेंथ कितनी उसकी 5000 और ई कितना हो 2.1 × 10⁵ बराबर 2.5, इसको जब सोल्व करेंगे तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा 147 N/mm², तो फोर्स क्या आ जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया, तो फोर्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि पहले तो ये कौन सा था नोट यील्ड वाली कंडीशन और दूसरी यील्ड वाली कंडीशन, तो जब यील्डिंग नहीं होगी तो सपोर्ट क्या करेगा पूरी उसकी जितना भी एक्सपेंड होना चाह रहा था Lα(t) उस पूरी को प्रिवेंट कर देगा, इसका मतलब जैसे मान लो ये सपोर्ट इतना खिसकना चाह रहा था तो इतने पूरे को ही क्या करेगा वो प्रिवेंट कर देगा, तो प्रिवेंट करेगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा आ रही है और जो स्ट्रेस आ रहा है ठीक है उसमें ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जब और स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है 252 N/mm², लेकिन दूसरी कंडीशन है यील्डिंग वाली कि जब यील्डिंग हो जाएगा सपोर्ट क्या हो जाएगा थोड़ा सा उसका दबाव के कारण खिसक जाएगा, इसका मतलब जितना उसको प्रिवेंट करना चाहिए था फ्री एक्सपेंशन उतना प्रिवेंट नहीं किया, इसका मतलब जो दबाव बनाना चाहिए था उतना दबाव नहीं बने, इसका मतलब जो फोर्स लगाना चाहिए था कंप्रेसिव उतना ही नहीं, अगर थोड़ा सा कंप्रेसिव फोर्स लगा तो लोड की वैल्यू की तैयारी 52.16 kN या स्ट्रेस की वैल्यू की तैयारी 147 N/mm², तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यील्ड के अंदर जो फोर्स आ रहा है वो कितना कम आ रहा है जब यील्ड हो रहा है तो, ठीक है, और जो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है वो कितनी कम आ रही है। तो यहाँ का रीजन क्या है, इसका रीजन क्या था, बार इज कंप्रेस्ड लेस इन केस टू, क्योंकि लेस टू के अंदर बार क्या है कम कंप्रेस हो रही है, क्योंकि जो यील्डिंग हो गया तो उसको जितना प्रेशर बनाना चाहिए तो फोर्स नहीं लगा पाया, तो फोर्स नहीं लगा पाएगा तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी कम आएगी, ठीक है, सो लेस फोर्स। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आएगा, चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक क्यूबिकल बार दी गई है जिसकी हर साइड की लेंथ कितनी है एल है और उस पर चारों साइड से लाइक स्ट्रेसेस लग रहे हैं, मतलब एक कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा नेचर का, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन ये है वाई डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्यूब दे दिया जिसकी तीनों लेंथ कितनी है लेंथ विड्थ और हाइट डेप्थ सारी सेम हो जाएगी एल और कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा नेचर का, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि इसका टेम्परेचर हमने टी डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया, जब टी डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया तो हमको ये निकालना है कि तीनों साइड से जो स्ट्रेस लगेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपेंड होना चाह रही है लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड नहीं हो सकती क्योंकि हमने इस बार को सब डायरेक्शन सिर्फ कन्फाइंड कर दिया, सब साइड इसको सपोर्ट में फिक्स
कर दिया, जैसे मान लो इधर से भी फिक्स हो गई, इधर से फिक्स हो गई और ऊपर नीचे से भी फिक्स हो गई, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको सब डायरेक्शन से अपने उन्हें फिक्स कर दिया, एक्सपेंड नहीं हो सकती। इसका अलावा अगर एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी लेकिन एक्सपेंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि सपोर्ट क्या करेगा, जो भी दीवारें इसके चारों साइड हो उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगी सब डायरेक्शन से, तो वही अपने को निकालना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण वो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटू एरिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा, तो सब डायरेक्शन से इस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बात कर लेते हैं हम कि ये कन्फाइंड सब डायरेक्शन से, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन कितना हो सकता है, इसमें जो टोटल रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो हमने कोई भी एक्स डायरेक्शन ले ली, तो एक्स डायरेक्शन में मान लो कि डेल्टा एक्स कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन, इसमें फ्री एक्सपेंशन टेम्परेचर कारण होगा और यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स लगा देगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण उतना ही कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, तो नेट जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा किसी डायरेक्शन में, जीरो। तो यहाँ से एक्स के अंदर हमने जीरो मान लिया, तो यहाँ से जब टेम्परेचर बढ़ेगा और सपोर्ट यहाँ से पुश करेंगे तो स्ट्रेस डेवलप होगी, तो इस स्ट्रेस को कितना मान लिया अपन ने, सिग्मा। तो लेट अस अज्यूम दैट ड्यू टू टेम्परेचर आई सिग्मा स्ट्रेस, स्ट्रेस सिग्मा विल बी डेवलप्ड इन ऑल डायरेक्शन, तो सब डायरेक्शन कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, सिग्मा का। ठीक है, अभी कन्फाइंड है तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो एक तो एक्स डायरेक्शन में फ्री एक्सपेंशन कितना होता है टेम्परेचर का, अल्फा टी होता है। दूसरा क्या हो रहा है कि जब कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है तो उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन आए, जो कंप्रेसिव कॉन्ट्रेक्शन होगा उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, पी एल अपन ई, तो पी अपन ई तो क्या हो जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा एल अपन ई। इसको माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये उसकी लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हो रहे हैं, इनमें क्या होगा कि जब वाई डायरेक्शन में हो तो वाई डायरेक्शन से क्या लग रहा है, उसको फ्री एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन उसमें कंप्रेशन आ रहा है, तो कंप्रेशन होगा उसके अंदर, तो कंप्रेशन होगा तो जो लेटरल डायमेंशन है वो बढ़ेगी, तो यहाँ पे जो सिग्मा स्ट्रेस आ रहा था वाई से उसके कारण कितना हो जाएगा, पॉइजन्स इफेक्ट के कारण म्यू सिग्मा ई अपॉन एल। सिमिलरली जेड डायरेक्शन से कंप्रेसिव लोड आएगा, तो कंप्रेसिव लोड आएगा जेड से, तो इधर एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा एक्स में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू सिग्मा एल अपॉन ई। तो यहाँ से ई तो कॉमन लेके इधर जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा यहाँ से, पहले फर्स्ट टर्म को और इसको अलग कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को एक साथ सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या जाएगा, एल सिग्मा अपॉन ई वन माइनस टू म्यू। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई अल्फा टी वन माइनस टू म्यू। तो हर डायरेक्शन में इतना ही स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, तो हर डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना जाएगा, ई अल्फा टी वन माइनस टू म्यू। तो इसका मतलब जो फोर्स होगा कितना हो जाएगा सब डायरेक्शन से, सेम ही आएगा फोर्स भी, क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो फोर्स क्या हो जाता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस इंटू एरिया जब करेंगे तो स्ट्रेस तो कितना आ गया, ई अल्फा टी अपन वन माइनस टू मी, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एरिया क्या है, एल बाई एल सारी डायमेंशन, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर सेक्शन है, तो स्क्वायर सेक्शन का एरिया कितना हो गया, एल स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा, ई अल्फा टी एल स्क्वायर अपन वन माइनस टू मी। आपको आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर किसी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि एक बार ए बी है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और एक दो सपोर्ट के बीच जहाँ से सपोर्ट ए पे, तो उसको फिक्स कर दिया है और एक ऊपर जो मान लो कोई छत है इसमें, ठीक है, या कोई भी एक गैप दे रखा है, तो ये गैप कितना है यहाँ पे, 0.25 mm का गैप है। अब क्या कर रहे हैं, इस बार का टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा रहे हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाओगे तो इसकी बार क्या क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ते बढ़ते कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच जाएगी और उसके बाद ही बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन सपोर्ट क्या करेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, इसका मतलब बढ़ने नहीं देगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेस इस पर लगाएगा, तो उसके कारण इसमें कोई भी इलोंगेशन नहीं होने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कितना दे रखा है बार का, 18 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब बार कौन सी है, कॉपर की है, और इलास्टिक कॉन्स्टेंट कितना दिया, 1 × 10⁻⁶ तो ये बोल रहा है कि कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा इसके ऊपर, भाई यहाँ तक एक्सपेंड होगा, उसके बाद क्या, ये सपोर्ट इसको एक्सपेंड होने देगा क्या, नहीं होने देगा, तो इसके ऊपर कौन सी स्ट्रेस अप्लाई करेगा, सिग्मा, तो वो अपने को निकालना है। तो यहाँ पर लेंथ 2 मीटर दे दी और गैप कितना दिया, 0.25 mm, सिंस गैप ऑफ 0.25 mm इज बिटवीन एंड ऑफ द बार एंड सपोर्ट सी, तो डेल्टा नीड कितना हो जाएगा, 0.25, जिसमें आलोकर बार यहीं पर होती बिल्कुल सी पे और ये होता है, तो अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिसका डिफ्लेक्शन कितना आता, जीरो आता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सपोर्ट थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ से तो एक्सपेंड होगा, उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगी, तो उसके बाद इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो एक्सपेंशन होगा, तो इसका मतलब एल अल्फा टी माइनस सिग्मा एल अपॉन ई का नेट कितना आ जाएगा, 0.25 mm। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा कितना आ जाएगा, एल अल्फा टी माइनस 0.25 इनटू एल ई बाई एल, तो इसकी वैल्यू पुट करते ही सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 167.5 newton/mm². अगर इसमें कंप्रेसिव फोर्स पूछे कि कितना कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा मान लो जो भी देगा उसमें ए, तो उससे मल्टीप्लाई करते जो कंप्रेसिव फोर्स आएगा उसकी वैल्यू ने अपन निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो रिगार्डिंग राहुल चौधरी। आपको हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जितने से ज़्यादा जैसे शेयर हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके और आपको बेनिफिट हो सके। वीडियोस के अंदर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं उसका सडनली रिप्लाई करूँगा, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट पहुँचा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ अगेन। थैंक यू।